अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक में आज एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करेंगे। एक्सरसाइज में हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू कोसिकन थीटा इंटू सिकन थीटा। अब ये हमारे पास दे दिया गया है और अब लेफ्ट हैंड साइड है और हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। हम कोई भी एक साइड ले लेंगे और दूसरे साइड के बराबर लेकर आएंगे और उसको हम कहेंगे प्रूफ। इस सवाल में सारे के सारे है ही प्रूफ दी आइडेंटिटीज़ हैं, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा किसके बराबर है? ठीक है, टेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हमने क्या करना है, साइन टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है और कॉट थीटा का, दोनों का फार्मूला पुट कर देना। टेन थीटा का फार्मूला क्या है, साइन थीटा अवर कॉस थीटा। कॉट थीटा का हमारे पास क्या फार्मूला है, याद है मैंने आपको कहा था टेन का ऑपोजिट हमेशा कॉट होता है, तो कॉस थीटा अवर साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो एलसीएम ले लिया हमारे पास, तो क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। याद रखना जब भी हम दोनों वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल्स क्यों ना हो तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, तो ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाती है। या आसान मायनों में कि कॉस है इधर मौजूद है, साइन नहीं है, तो हम ये वाली वैल्यू उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसके साथ साइन है तो कॉस की कमी है, तो कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहले फार्मूले पर चले जाएँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा वन के बराबर होता है। ये भी फार्मूले में मैंने आपको बताया था, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब हम इनको सेपरेट कर देंगे क्योंकि हमने कोसिकंड और सिकंड लेकर आना है। वन ओवर कॉस थीटा डॉट वन ओवर साइन थीटा। वन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, सिकंड थीटा के बराबर होता है, और वन ओवर साइन किसके बराबर होता है, कोसिकंड थीटा के बराबर होता है। अब एज यू विश है, आप कोसिकंड इधर लिख लो और सेकंड थीटा इसके इक्वल कर लो, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट राइट हैंड साइड के। आपने नीचे लिख देना है हैंस प्रूव्ड, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने पीछे 10 फार्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, के इस एक्सरसाइज में जितने भी फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो हमने इसमें रीड किए थे। पीछे मेरे पास पेज में है, ये टॉपिक है हमारे पास, ये हमने 10 फार्मूले पढ़े थे। ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने हैं, मेरा पहला लेक्चर इसी पर ही था कि हम ये वाले फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे तभी हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आपने इन 10 फार्मूले पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइजेज हमने स्टार्ट कर दिए। अब हमारी डेली बेसिस पे लेक्चर्स आते रहेंगे यूट्यूब पर और आप उसको देखकर अपने काम कर सकते हैं। इसके साथ अब हम सेकंड क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चंस हमारे पास है सेकंड थीटा को सेकंड थीटा डॉट कॉस थीटा डॉट साइन थीटा इक्वल्स टू वन। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके तो हम राइट साइड के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया सेकंड थीटा को सेकंड थीटा डॉट साइन थीटा डॉट कॉस थीटा भी था इसके साथ। अब सेकंड की वैल्यू आपके पास फार्मूला आपको मालूम है, वन ओवर कॉस थीटा कोसेकंड की, कोसेकंड का फार्मूला वन ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा लिखा रहने दें और साइन थीटा लिखा रहने दें क्योंकि इनको कोई फार्मूला नहीं होता। यहाँ पे देखें साइन साइन से कट रहा है और कॉस कॉस से कट रहा है, तो पीछे क्या बच गया, वन वन जर वन, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसके साथ हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू सेकंड थीटा। अब हमने इसको भी प्रूव करना है, तो प्रूव करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है
और जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक एक सवाल आप लोगों को करवाऊंगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। तो कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसको कोई फार्मूला नहीं है। टेन थीटा का फार्मूला हमारे पास है, साइन थीटा आवर कॉस थीटा डॉट साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखें, साइन और साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ सेम पावर आ रहा है, साइन स्क्वेयर हो जाएगा। और अब यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे नीचे अगर वन हो तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमने लिया तो क्या आ गया, कॉस थीटा, कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पे आप फिर से पहला फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर वन, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो वन ओवर नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज रही,